नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड कराया कि सर आप इस कॉलेज की रिव्यू करिए, आप इस कॉलेज का रिव्यू कीजिए, उस कॉलेज का रिव्यू कीजिए, तो जी हाँ दोस्तों, लेकर आ गया हूँ एक और कॉलेज जिसकी अभी काफ़ी कमेंट्स आए थे हमारे पास कि सर पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, और ये जो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ या जिस कॉलेजेस के बारे में भी बताता हूँ, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको 100% आपको मेरी वीडियो से मुझ पर ट्रस्ट करके आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी, आप सीधा पारुल यूनिवर्सिटी में गए या किसी यूनिवर्सिटी में गए और पैसे रख दिया और एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको जो भी बताता हूँ वो उनके वेबसाइट, उनके बारे में जो मैं जानता हूँ, जो मैंने सुना है, जो जिन बच्चों से मैं मिलता हूँ, तो उनके बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लें या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, तो डेफिनेटली वहाँ पे सबसे पहले इंक्वायरी करें। इंक्वायरी क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी उनकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं होती है, चीज़ें कुछ और होती हैं और यहाँ पर कुछ और चल रहा होता है, तो हो सकता है कि उनके कॉलेज में बहुत अपडेट हो गया हो लेकिन वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ किसी कारण से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो उसके बाद आप एक बार ज़रूर वहाँ पे विजिट करें। विजिट करने के बाद वहाँ के जो सिनेरियो है वो मेरे साथ शेयर करें, और मेरे साथ शेयर करने के बाद फिर आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, फिर मैं उसके ऊपर अच्छे से आपको सजेशन दे सकता हूँ। तो चलिए फिर बिना डिले किए हुए आज की इस वीडियो को देखते हैं और इस कॉलेज के बारे में जानते हैं। तो आ गया हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखोगे तो पारुल यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ कि NAC A++ ये सर्टिफाइड है। दूसरी, ये बड़ोदरा में है, बड़ोदरा से थोड़ी सी दूरी पे है ये यूनिवर्सिटी, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है अभी तक जहाँ तक मैंने सुना है, और आगे भी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो अगर आप इसके अबाउट अस देखेंगे, एक ओवरव्यू अगर पहले देख लें हम, कैंपस तो भाई बहुत शानदार है, और आप देख सकते हो इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। NAC प्लस है, ये तो है ही, एन प्लस UGC अप्रूव्ड भी होगा। बेसिकली अगर आपको पारुल यूनिवर्सिटी के एनिमेशन और VFX कोर्स को देखना है ना, तो आपको यहाँ पे गूगल में आकर सीधा टाइप कर लीजिएगा। ये देखो इसकी जो वेबसाइट है वो है paruluniversity.ac.in, राइट? तो ये, और यहाँ पे आपको एनिमेशन एंड VFX, तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन अभी हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था कि आप उस चीज़ों को पारुल यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल कैंपस है उसके बारे में दिखा रहा था। सो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये देखिए, ये है बैचलर ऑफ साइंस BSc इन एनिमेशन एंड VFX जो कि पारुल यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका यहाँ पे जो नाम है बेसिकली ये डिपार्टमेंट का, वो है पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको होम में देखने को मिल जाएगा, जब भी आप होम में हो तो ये देखिए होम के अंदर आपका एक इंक्वायरी फॉर्म है, अगर आप भरना चाहते हो तो आप इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? जो भी इंक्वायरी है आप यहाँ से कर लेना। और ये है उसका कैंपस जहाँ पे एनिमेशन एंड VFX वाली चीज़ें कराई जाती है, देखिए ये वो वाला जगह है। तो अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन इंस्पायरिंग क्रिएटिव, और नो डाउट बानी कपूर ब्रांड एम्बेसडर है पारुल यूनिवर्सिटी की, सो काफ़ी खर्चा किया है यूनिवर्सिटी वालों ने। फैकल्टीज़ फ्रॉम टॉप, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक फैकल्टीज़ का भी मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। यहाँ पे देखो डिप्लोमा है, बैचलर है और मास्टर है। अगर आप बैचलर करेंगे तो ये रहा आपका बैचलर का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर 3 साल के कोर्सेज हैं, और ये डेट विल बी हेल्ड 23 अप्रैल 2023 से 11/2, ये स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है? एंड बी हेल्ड डेट विल बी, हाँ ठीक है ना, अप्लाई नाउ, अप्लाई कर सकते हो। इधर कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं अबाउट पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, देखो वो पारुल यूनिवर्सिटी है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, तो कन्फ्यूज मत होना। अगर आपको यहाँ इसके बारे में सर्च करना है तो आपके इस पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के ऊपर आपको काम करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आ गए तो वही चीज़ है बेसिकली, यहाँ पे डिज़ाइन बैचलर मास्टर्स, आप यहाँ से मास्टर भी कर सकते हो। नो मोर करना है अगर इसके बारे में आपको जानना है तो, नो मोर एंड डिज़ाइन यहाँ पे आप आ जाओ। वी हैव अ यूनिक डिज़ाइन करिकुलम यहाँ बेस्ड ऑन लेटेस्ट ट्रेंड्स, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत काफ़ी अच्छा एक्टिविटीज़ यहाँ पे, फैशन शो बहुत, मतलब एक्टिविटीज़ भी इनका बहुत अच्छा होता है यहाँ पे।
यशराज सिंह बी डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सारे लोग हैं जो यहाँ पे डिज़ाइनर हैं, फाउंडर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें लाइक लर्निंग एट PID, सो एग्जीबिशन वर्कशॉप्स वगैरह बहुत कुछ होता है यहाँ पे, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा। आप मास्टर प्रोग्राम अभी चेक कर रहे थे, यहाँ पे आओगे तो आपको देख लो यहाँ पे सब आवर फैकल्टीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं एल्यूमिनाई में देखूँ, सो एल्यूमिनी के अंदर में अगर आप देखोगे तो ये कुछ डिज़ाइन एल्यूमिनी है जो लोग अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, लोग मतलब पास आउट हुए हैं यहाँ से। कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, कोई इवेंट्स डिज़ाइनर है, कोई फाउंडर है, किसी ने अपनी बिजनेस स्टार्ट करी है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कॉन्टेक्ट करना है कर लेना यहाँ से एडमिशन। ये देखो डिप्लोमा अभी बैचलर वाले को चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो वापस से बैचलर डिज़ाइन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन भी है, इंटीरियर एंड फर्नीचर डिज़ाइन है। आपको क्या करना है, आपको एनिमेशन एंड VFX पर क्लिक करनी है। सो ये आपको एनिमेशन और VFX से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक वीडियो भी है जो चूज़ वाई टू चूज़ स्टडी एनिमेशन एंड VFX। तो यहाँ पे आप देखोगे फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन सब कुछ यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हो। एक्सपीरियंस तो यहाँ पे कुछ इनके इवेंट्स के हैं, जैसे यहाँ पे देखो सूट चल रहा है कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड एनिमेशन एंड VFX। अब यहाँ पे आएंगे तो एक्सप्लेनेशन कुछ किया हुआ है इंडस्ट्री का, आवर एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स, आवर लेबोरेटरी, यानी कि इनकी VFX स्टूडियो भी है, एक स्टूडियो भी है यहाँ पे, एडिटिंग स्टूडियो है, तो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। साउंड स्टूडियो भी इन लोगों ने रखा हुआ है शायद यहाँ पे जो दिखा रहा है अभी। सो साउंड स्टूडियो है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप साउंड एडिटिंग कर रहे हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीनिंग स्टूडियो है, मतलब यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे आपकी जो भी मूवी वगैरह होगी वो स्क्रीनिंग भी हो सकती है, मतलब स्क्रीनिंग होगी नो डाउट। गिविंग विंग टू योर इमेजिनेशन, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों के लिए जो और भी चीज़ है जैसे इंटीरियर वगैरह के लिए। 3D लेबोरेटरी है, देखो लेज़र कटिंग लेबोरेटरी भी है भाई, मतलब कि लेज़र कट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। वुड लेबोरेटरी भी है, फिर सेरामिक लेबोरेटरी है, तो काफ़ी कुछ है। तो आपका तो खैर ये डिपार्टमेंट नहीं है, आपके डिपार्टमेंट से ये चीज़ें हैं। एडिटिंग स्टूडियो देख लो, एडिटिंग टेबल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अब अगर ये एग्जैक्टली अगर ये सेटअप इनके पास है तो इट मीन्स कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। साउंड स्टूडियो भी है, स्क्रीनिंग स्टूडियो, VFX स्टूडियो जहाँ पे क्रोमा वगैरह सब कुछ है, एंड फोटोग्राफी एंड लेबोरेटरी भी है, तो काफ़ी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सीखने के लिए। कॉमन एरिया है, एनरिचिंग एरिया है, यहाँ पे देखोगे कंप्यूटर लेबोरेटरी है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम्स वगैरह भी इन लोगों ने रखा हुआ है नो डाउट। अब यहाँ पे अगर हम फैकल्टी की बात करें तो चलो मैं आपको फैकल्टी में एक शानदार आदमी से मिलवाता हूँ, एक शानदार लोग से मिलाता हूँ बेसिकली, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। सो ये देखो प्रोफेसर प्रभास चंद्र पांडे क्वालिफाइड हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फैशन डिज़ाइन में, और मिस्टर समीर बख्शी हैं NID से, बहुत सारे हैं। ये जो आप देख रहे हो मिस्टर उमेश पटेल, ये हमारे भी सर रह चुके हैं, हमने भी इनके अंदर ट्रेनिंग ली हुई है, काफ़ी कुछ सीखा है इनसे, और 24 साल का एक्सपीरियंस है इनका, तो काफ़ी अमेजिंग टीचर हैं, काफ़ी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है इनका। तो अगर इनके अंदर में अगर आप VFX सीखते हो तो नो डाउट कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इंडस्ट्री के तरफ से आप रेडी हो सकते हो, ठीक है। सो फैकल्टी अगर देखोगे भाई काफ़ी क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी फैकल्टी को इन्होंने लिया हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला, राइट। सो ये बेस्ट डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर मिल चुका है, इंस्टीट्यूट ऑफ द थीम, बेस्ट ट्रायरो डिज़ाइनर, शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शंस, सो काफ़ी अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आते भी हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा चीज़ साबित हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब काफ़ी अच्छी कॉलेज है जहाँ से आप सीख सकते हो और अपनी करियर बना सकते हो। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी जो एनिमेशन VFX वाली जो ये वेबसाइट की लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना अगर कोई बड़ोदरा गुजरात कहीं से भी हो, और अगर वो पारुल यूनिवर्सिटी से में इंटरेस्ट रखता हो और अगर वहाँ ज्वाइन करने का प्लान बना रहा हो तो आप एक बार देख सकते हो। आपके सामने मैंने सारी जो डिटेल्स थी वो रख दिया है। तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।